अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कई दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाईजान हमें अपना ओशानक 7 का जो एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो आप शेयर करें हमारे साथ, और कैसी चल रही है ये वो सारी चीज़ें। तो फाइनली आज मैं आपके लिए एक प्रॉपर रिव्यू लेकर आया हूँ, और इस रिव्यू में मैं कोई इंजन की स्पेक्स वगैरह नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पार्क व्हील्स वगैरह के रिव्यूज़ देख चुके हो और आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। तो मैं मेनली अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस रिव्यू में आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले हम एक्सटीरियर से शुरू करते हैं गाड़ी के। और हाँ, एक ये चीज़ भी मैं लाजमी बताऊँगा कि मैंने क्यों इसको प्रेफर किया टूसॉन पर, MG पर और स्पोर्टेज पर। पहले तो हम इसके एक्सटीरियर पे आ जाते हैं। एक्सटीरियर नहायत ही खूबसूरत और मॉडर्न है। ये जो 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, ये बॉडी को पूरा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और पूरी बॉडी का एक्सटीरियर, इंटीरियर और हर चीज़ जो है ना, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न इन्होंने बनाया है। हाँ, इसकी हेडलाइट को लेकर कुछ लोग परेशान हैं कि ये वीक है। ये वीक ज़रूर है, लेकिन थोड़ी वीक है। ये नहीं आप कह सकते कि इनका विजन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो। विजन अच्छा है, लेकिन जब आप हाई बीम पर करते हैं तो दूर से अगर आप हाई बीम किसी को मार रहे हो तो उसका जो वो छपक्का होता है ना, वो जोर का नहीं लगता, ठीक है। लेकिन करीब से जब आप किसी को भी हाई बीम मारेंगे तो वो बड़ा अच्छा काम करती है। एक्सटीरियर से इसको अगर देखें तो कहीं से भी गाड़ी मुझे कम नहीं लगती, और मेन वजह ही इसका जो परचेज डिसीजन था, इसकी मेन वजह ही इसका एक्सटीरियर था, क्योंकि इसका एक्सटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। और अपनी कैटेगरी में जो इसके साथ स्पोर्टेज, टूसॉन और MG आती हैं, उन तीनों से मुझे इसका एक्सटीरियर ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, और साइज़ भी इसका बहुत बड़ा है। उन्होंने अगर साइज़ बड़ा किया इसका तो ये नहीं हुआ कि ये अंडर पावर हो गई हो। पावर में ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पावर। ये 185 हॉर्स पावर अगर करती है प्रोड्यूस, उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, तो वाकई ये करती होगी, क्योंकि बहुत ही इंप्रेसिव पावर है इसकी। गाड़ी में अंदर जाके देखते हैं, इसमें स्मार्ट एंट्री और कीलेस एंट्री दोनों हैं। अगर आप गाड़ी के करीब आते हैं तो ये ऑटो अपने आप को अनलॉक कर लेती है, लेकिन ये फीचर मैंने क्लोज़ किया हुआ है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर आते साथ सबसे पहले जो आपकी नज़र पड़ती है ना, ये इसके वाइट इंटीरियर पर पड़ती है, जो कि नो डाउट बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, आपको क्लीननेस का इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन वो आप क्लीननेस का ख्याल रख सकते हैं अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें मंगवाई हुई हैं, जैसे कि ऑल पर्पज़ क्लीनर वगैरह है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, आप मंगवा लें, और आप जब भी इस पर कोई दाग वगैरह पड़े तो आप इजीली उसको स्प्रे करें और इसको आसानी से साफ हो कर लें। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ब्रेक पे पाँव दबाएँ, ये लाइट जो है इसकी इग्नाइट करेगी, और आप इसको प्रेस करें तो ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर ये ऑप्शन है, आप इसका जो मीटर क्लस्टर है रेड में भी कर सकते हैं, और ब्लू में भी, एक्वा कलर जो है उसमें भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टच पैनल की। टच पैनल का रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त है, हल्का टैप करेंगे काम कर जाएगा, ठीक है। ये ऑटो पे AC है, जब ऑटो पे AC करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मॉनिटर करके तो बड़ा अच्छा आपको टेम्परेचर देता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की इंफोटेनमेंट सिस्टम की। जैसे कि आपको पहले भी पता होगा कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें हर तरह की जो सेटिंग है आप गाड़ी की कर सकते हैं। आप इसके अंदर इसके जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, विंडोज़ क्लोज ऑन, ये वो स्पोर्ट्स फीचर वगैरह, मतलब ये जो ड्राइविंग मोड्स हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, इको, अच्छा ये ड्राइविंग मोड जो है ना, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। अगर वाकई आपने स्पोर्ट्स पे किया तो गाड़ी एकदम जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट करती है, और आपको पैडल में फील होता है, स्टीयरिंग व्हील में फील होता है कि थोड़ा स्टिफ हो गया, और ज़रा पावर में गाड़ी फील होती है आपको, ठीक है। इसमें आप फिर सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एक्यूरेटली चीज़ें बताता है। टायर प्रेशर अगर कम है तो वाकई वो बताएगा, अगर आपका पेट्रोल भी एक खास लिमिट से कम हो गया तो वो भी आपको इंडिकेशन दे देगा। और इसका साउंड सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया। इससे पहले मेरे पास सिविक थी, और सिविक से तो बहुत ज़बरदस्त इसका जो साउंड सिस्टम है वो है। गाड़ी की जो साउंड प्रूफिंग वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है, बाहर से आपको जो शोर शराब है वो इतना ज़्यादा नहीं आता, साउंड प्रूफिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और सबसे मज़ेदार आपको चीज़ बताऊँ तो ये, जब आप गाड़ी में बैठे हैं तो फ्रंट से आपको इसका बोनट दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त SUV की फील देता है आपको। बहुत ऑप्टिमम इसका रिस्पॉन्स है, एक्सेलरेशन का, ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है,
सस्पेंशन का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। गाड़ी में बैठ के आपको कोई ये फील नहीं आ रही कि आप किसी चाइनीज ब्रांड के कार में बैठे हैं। एक प्रॉपर एक अच्छी लग्जरी फील ये दे रही है गाड़ी। अब ये स्टेयरिंग व्हील पकड़ते हैं तो इसकी जो स्टिचिंग है, इसकी क्वालिटी है, ये बहुत मज़ेदार फील होती है। स्टेयरिंग व्हील हार्ड महसूस नहीं होता कि आपको चुभ रहा है हाथों में। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि आपको अक्सर चीज़ों में, अक्सर गाड़ी चलाने में आपको फील हो रही होती हैं कि ये स्टेयरिंग व्हील बहुत सख्त है, हाथ में चुभ रहा है, लेकिन ये इसमें ये ड्राइविंग जो पोजीशन है, इसकी जो ड्राइविंग की फील है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी परचेज से पहले मैंने कंसीडर किया था टूसॉन को और स्पोर्टेज को। टूसॉन की और स्पोर्टेज की ड्राइव बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी ड्राइव है। मतलब मुझे ऐसा वैसे फील नहीं हुआ कि ये किसी जगह पे लैग कर रही हो ओशान की ड्राइव उनके सामने। लेकिन कुछ चीज़ें थीं जहाँ पर मैंने ओशान को प्रेफर किया। एक तो इसकी फ्यूल एवरेज है, फ्यूल एवरेज इसकी बहुत अच्छी है। मुझे जो है वो 12 से 14 की एवरेज दे रही है शहर में, ठीक है, एसी के साथ। आजकल सर्दियाँ, लेकिन क्योंकि फॉग वगैरह जमा हो जाती है ये स्क्रीन्स पे, तो मैं एसी को ऑन रखता हूँ। एसी की परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सर्दी हैं, तो एसी मैं भी चेक नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जिन दिनों इसकी टेस्ट ड्राइव की थी उन दिनों गर्मी थी, तो उन दिनों तो इसका एसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और वो गाड़ी तकरीबन जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी थी वो 17,000 किलोमीटर चली हुई थी, तो उसके बावजूद उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसका हर चीज़ जो थी अच्छी थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके रियर स्पेस की, रियर जो लेग स्पेस है वो कैसी है। तो इन एंड आउट तो आपको पता है एसयूवी में इजी होता है, तो मेरे लिए, मैं अभी 5'10" का बंदा हूँ, ठीक है। अभी जो ड्राइविंग सीट है बिल्कुल पीछे है, और ये जो इसकी पीछे वाली टेक होती है ये भी पीछे मैंने की हुई है, तो मेरे जो गोडे हैं, जो नीज हैं, वो टच ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। मतलब कि कोई फंस नहीं रहे, बस टच हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाली साइड पर अगर देखें, ये सीट जो है ये थोड़ी सी आगे है, और इसकी बैक जो टेक है वो भी थोड़ी पीछे है। तो यहाँ पे देखें, स्पेस मेरे पास है मौजूद, ठीक है। और इसका जो बीच वाला हम है वो भी कोई नहीं है, तो थर्ड बंदा जो है, जो बीच में जो बैठेगा, वो भी बिल्कुल इजीली बैठता है। अब मैं साइड पे होके बैठ गया हूँ, ठीक है, अपनी साइड पे। तो देख लें, यहाँ भी अच्छी खासी जगह है और यहाँ भी अच्छी खासी जगह है, तो तीन बंदे जो हैं पीछे वो आराम से बैठते हैं। और ये फ़ायदा है ओशान का, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ये फॉर्चूनर से भी ज़्यादा है। तो और हाँ, ये आर्मरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। सेंटर जो आर्मरेस्ट है वो इसमें नहीं है ओशान में। एसी का थ्रो भी मैंने चेक किया है, एसी का थ्रो जो रियर सीट्स में आता है वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऑप्टिमम है। इवन जो फ्रंट वाला जो वेंट्स हैं एसी के, जो फ्रंट वाले हैं, वहाँ से भी थ्रो बड़ा अच्छा बेहतरीन किस्म का आता है। कलर बिल्कुल इशू है, लेदर सीट्स जो हैं ये, इसकी लेदर नहीं है मेरे ख्याल से, फॉक्स लेदर है। तो सीट वैसे कंफर्टेबल है, कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कलर वाइट है तो ये बिल्कुल गंदा होने का चांस है। इसको एक टाइम के बाद पुशिश या तो करवानी पड़ेगी या आप जो भी करेंगे। दरवाजे वगैरह साफ़ हो सकते हैं, वो आप पार्कविल्स का ऑल पर्पज़ क्लीनर खरीदें और दरवाजे कोई मसला नहीं, साफ़ हो जाएंगे। आप महीने दो महीने बाद इसको साफ़ करें, आप सिर्फ एक वाइट कलर के पीछे कि इसका इंटीरियर वाइट है ये गाड़ी ना छोड़ें। तो पूछते हैं कि जो इसकी थर्ड रो है वो कैसी है, तो थर्ड रो पे भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसके स्टिकर लगवा लिए हैं, डोर सील्स हैं, ताकि अगर पाँव यहाँ पड़ता भी है तो ये गंदे ना हो। तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ, मैं कोई इतना पतला बंदा नहीं हूँ, तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये पहले पाँव आपने अंदर रखा, फिर थोड़ी सी मदद लेकर आप इस तरह ईजीली आप यहाँ बैठ सकते हैं लास्ट रो पे। अच्छा, अब आप ये नोट करें, ये चीज़ नोट करें कि मैं पीछे आ गया हूँ और यहाँ पर आके मैं बैठ गया हूँ, ठीक है। अब जो मेरे घुटने हैं वो यहाँ पर काफ़ी मतलब के प्रेशर के साथ लग रहे हैं। अब इसका हल यह है कि ये सीट भी आगे हो सकती है। अगर ये सीट आगे नहीं करनी तो मेरे जैसा बंदा जो है वो शहर में तो सफ़र कर लेगा, लेकिन लॉन्ग पे थोड़ा बाजार होगा। अगर मैंने अकेला बैठना है तो उस सूरत में मैं बैठ सकता हूँ, मैं अपनी टांगें जो एक साइड पर कर लूँगा और एक साइड पर टेक लगा के फिर मैं आराम से बैठ सकता हूँ। और पीछे जगह बनी हुई है, आप इसको एज अ आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 7-सीटर गाड़ी की ज़रूरत है और आप सोच रहे हैं कि BRV ले ली जाए या कोई और गाड़ी ले ली जाए, तो उन गाड़ियों से ये 100 दर्जे बेहतर है। ये मैंने कोई चंगान से पैसे नहीं लिए हुए, मैंने पैसे देकर गाड़ी ली है। और ये भी नहीं कि ये गाड़ी मेरे पास है तो मैं इसकी तारीफ़ें करूँ, मैं आप तक एक प्रॉपर पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि ये गाड़ी मुझे हर तरह से बाकी गाड़ियों से बेहतर लगी है। इसका ये एक्सटीरियर वाइज, इंटीरियर वाइज,
परफॉर्मेंस वाइज, इसकी सस्पेंशन वाइज, ये हैंडलिंग वाइज, हर तरह से ये गाड़ी बेहतरीन है, कहीं पे भी ये गाड़ी लैग नहीं कर रही। हाँ, कोई अगर चूचा की आवाज़ आएगी तो वो इन फ्यूचर जब गाड़ी ज़्यादा कोई 10-15 हज़ार 20,000-30,000 चल जाएगी तो फिर ये चीज़ें पता लगेंगी, तो तब फिर ये चीज़ें जाके देखेंगे। गाड़ी की जो प्राइस है वो तो आप पार्कविल से या उनके अपने चंगान के अपने प्लेटफॉर्म या उनके पेजेस पे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में पूछें तो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट मेरी जो आई है ना वो है 1,91,000, तो ये इसकी कॉस्ट आई है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप किसी 2000 cc वाले इंजन में जाएँ तो उसकी मैसे 2.5 लाख प्लस ही होती है, और उनकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी कम होती है, फिर टोकन टैक्स वो भी ज़्यादा होता है, तो हर तरह से ना ये गाड़ी लॉन्ग टर्म में मेरे एक कैलकुलेशन, मेरे एक सोच के मुताबिक ये उनसे बेहतर है। गाड़ी की बूट स्पेस देख लेते हैं कि बूट स्पेस कैसी है। बूट स्पेस की जब ये सीट्स जो हैं, ये मैंने जो लास्ट रो है इसको खोला हुआ है, मतलब ये सीटिंग पोजिशन में है, तो तब तो ये सिर्फ इतनी है, मतलब मेरे ख्याल से टैची भी बड़ा जो है पूरा ब्रीफकेस वो नहीं आ पाएगा, ये पैम्पर्स हैं। और एक लेकिन जो छोटा जो अटैची होता है जो कि वो गत्ते साइडों पे लगे के स्टिफ नहीं होता, वो इजीली यहाँ आ सकता है। आप इसको लिटाएं सीट्स को तो अच्छी खासी जो है ना वो स्पेस बन जाती है। ये देखें, अब तो इतनी ज़्यादा ऑप्टिमम स्पेस है कि यहाँ लिटा के आपके दो अटैची साथ साथ आ सकते हैं, फिर उनके ऊपर आप जितने मर्ज़ी लगा लें। इसके अलावा गाड़ी में हमें साथ ये जैक वगैरह मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा जो स्टेपनी है वो आपको गाड़ी के नीचे मिल जाती है, ये मुझे नहीं पता कि इसको खोलना कैसे क्या करना है, तो ये सीन है पीछे से सारी गाड़ी का। इसमें ऑटो बूट नहीं है क्योंकि ये कम्फर्ट वेरियंट है, और मुझे जो इसका कौन सा था टॉप वेरियंट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो सा भी था वो 5 सीटर है, और उसके अंदर जो ये वाली लेग स्पेस है सेकंड रो की ये भी ज़्यादा है, ये लेग स्पेस ज़्यादा है, और ये पिछली जो सीट्स हैं वो नहीं है उसके अंदर। फिर उसके अंदर डैश वगैरह है, 360 कैमरा है, तो डैश वगैरह की ज़रूरत मुझे नहीं है क्योंकि मैं खुद ही गाड़ी को चलाना चाहता हूँ अपने पाँव से। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ मैं मिस करता हूँ, वो है 360 कैमरा। 360 कैमरा अगर इसमें होता ना तो लेवल का मज़ा आ जाना था। यहाँ सेंट्रल कंसोल में आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाती हैं दो, ठीक है, पोर्ट्स, सॉरी नॉट पोर्ट्स। और ये स्टिकर ही मैं उतार दूंगा जल्दी, अभी गाड़ी इतनी पुरानी नहीं हुई कि मैं ये सारा कुछ उतार दूं, मैं उतार दूंगा कुछ अरसे में। इसका मैंने अभी तक सिर्फ साउंड सिस्टम यूज़ किया है, ठीक है, जो म्यूज़िक है तो वो तो बेहतरीन काम करता है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त साउंड सिस्टम है इस गाड़ी का। इसमें 4 स्पीकर्स हैं, 4 डोर्स में हैं, और 2 ये ट्विटर्स हैं, एक इधर है एक उधर है, ठीक है। और बाकी इसका एंड्रॉयड ऑटो जो है वो मैंने यूज़ किया है सिर्फ चेक करने की हद तक, ठीक है, वो भी ठीक काम करता है, लेकिन मैं उसका कोई प्रॉपर यूज़र नहीं हूँ जो मैं आपको बता सकूँ कि मैंने कितना यूज़ किया है, या फिर मैंने कॉल्स अभी तक इस पर नहीं उठाई, तो वो चीज़ ही मैं आपको नहीं बता सकता। इसका जो मीटर क्लस्टर है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें टायर प्रेशर है, ट्रिप मीटर है, और इस तरह की सारी चीज़ें आपको ना इंस्टेंट फ्यूल, और जब आप गाड़ी बंद करते हैं तब भी आपको आपका जो ट्रिप है वो बताता है इसमें क्या गाड़ी ने एवरेज दी और कितनी किलोमीटर चलाई और क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन का, ये स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी वाला, और ये हेडलाइट का जो हाइट एडजस्टर है, फिर वो साइड मिरर्स जो होते हैं उनकी एडजस्टमेंट वगैरह सारी। ये जो एक मज़ेदार इसका पॉइंट है ये है कि ये सारे जो मिरर्स हैं ये पावर हैं, एक पुश से आपके जो सारा मिरर है वो बंद हो जाएगा या खुल जाएगा, ठीक है, ये देखें। तो ये था जनाब आज का एक रिव्यू छोटा सा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। किसी चीज़ में कोई गलती कर रहा हूँ, कोई कोताही कर रहा हूँ तो वह आप बताएं, इस तरह के रिव्यूज़ मैंने पहली बार बनाए हैं, ठीक है, और अगर कोई रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है वो आप दें, कमेंट्स में लिखें, और भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई भाई किसी तरह की और कोई चीज़ पूछना चाहता है तो वो कमेंट में पूछ सकता है और मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि ये ब्रांड जो है ये नया है पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन मैं भी इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस था कि ये ब्रांड पता नहीं किस तरह का क्या सीन है, लेकिन परचेज़ करने से पहले मैंने इसको थोरली
बहुत प्लेटफॉर्म से पड़ा है और ये कंपनी बहुत अच्छी है चंगान जो है, और इसका जो पीछे जो जॉइंट वेंचर है या जिस जो कंपनी इसको लेकर आई है वो मास्टर मोटर्स है, और वो भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है वो भी। जहाँ तक गाड़ी की रीसेल की बात है, रीसेल जो है वो गाड़ी की तब बनती है जब वो मार्केट में आ जाए काफ़ी ज़्यादा और उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो, तो उसकी रीसेल बन जाती है। अगर हम ये सोचकर गाड़ी ना लेके उसकी रीसेल नहीं है तो उस चीज़ की कभी भी रीसेल नहीं बनती, ठीक है। ये रीसेल वगैरह भी हम लोग खुद ही बनाते हैं, कोई तीसरा बंदा आके रीसेल नहीं बनाता किसी चीज़ की। इसके जो साइड मिरर्स हैं वो भी काफ़ी बल्कि हैं और बड़ा अच्छा और वास्ट व्यू देते हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है। अच्छा, मैं एक दफ़ा और ये पॉइंट क्लैरिफाई कर दूं कि ये टूसॉन या स्पोर्टेज या एमजी से बेहतर क्यों है। मेरे नज़दीक जो टूसॉन का यूज़र है उसे हो सकता है टूसॉन अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे ये इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि दो तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इसका जो साइज़ है बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत लगती है आपको। देखो, आप उतने ही पैसों में आपको एक बड़ी गाड़ी मिल रही है और क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो। फिर ब्रांड पावर बेशक होंडाई की ज़्यादा है, किया की ज़्यादा है, इंटरनेशनली उनकी ब्रांड पावर ज़्यादा है, लेकिन आप अपने यूटिलिटी को देखो, आप अपने शौक को देखो। तो सबसे पहली चीज़ होगी एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर भी ऑफकोर्स आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका इंटीरियर ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा गुड लुकिंग है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाँ, टूसॉन की जो हेडलाइट्स हैं बहुत पावरफुल हैं, उसका जो व्यू है लेवल का व्यू है, जब आप स्टेयरिंग घुमाते हैं तो वो उसकी जो साइड्स कॉर्नरिंग लाइट्स होती हैं वो ऑन हो जाती हैं, और उसका क्या लेवल का व्यू आता है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग करती है वो शान, स्पोर्टेज के आगे भी और टूसॉन के आगे भी। एमजी का मुझे नहीं आईडिया, एमजी मैंने नहीं चलाई, लेकिन एमजी का जो सबसे मेन पॉइंट था जो उसको मैंने ड्रॉप किया एमजी को, ये था कि वो हाई ऑक्टेन पे चलती है, और चले हाई ऑक्टेन बना डलवा ले उसके बावजूद भी उसकी फ्यूल एवरेज बहुत कम है। इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, फ्यूल एवरेज अगर ज़्यादा अच्छी होगी तो ज़ाहिर है आप ज़्यादा शौक से चलाओगे। फिर आ जाती है स्पोर्टेज, स्पोर्टेज तो बहुत ही ज़्यादा आउटडेट हो गई है, मतलब उसका इंटीरियर भी इतना प्यारा नहीं लगता, एक्सटीरियर में भी मज़ा नहीं आता। ड्राइव वाइज अच्छी है, लेकिन जब आपको अंदर से ही उस का लेवल का मज़ा ना आए तो फिर मज़ा नहीं है। तो व्लॉग को फिर यहीं पेंड करते हैं, उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में या रिव्यू में या व्लॉग में या फूड व्लॉग में या किसी भी किस्म के व्लॉग में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।